नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। नेताओं के बिगड़े बोल और उनकी तस्वीरों से आप कई बार रूबरू हुए होंगे। अक्सर चर्चाएं ये भी होती हैं कि किसी नेता ने किसी अधिकारी को धमका दिया, उसे गालियां निकाल दी और बड़े अधिकारियों से उसकी शिकायत कर दी। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई वो अधिकारी गलत होते हैं या फिर नेताओं को अपनी नेतागिरी चमकानी होती है? बहरहाल जो भी हो, लेकिन अब एक बार फिर राजस्थान के एक विधायक की एक वो कहानी सामने आई है जिसमें करीब 37 मिनट तक वो बेबाक बोले और वो पूरी कहानी उन्होंने एक थाना अधिकारी को सुनाई। अब वो कहानी क्या थी, उसके बारे में आप बताते हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक चित्तौड़गढ़ के बेंगू विधायक राजेंद्र सिंह बिधोड़ी ने भैंसरोड़गढ़ थाना अधिकारी से फोन पर बात की। करीब 37 मिनट का वो ऑडियो भी वायरल हो गया और पब्लिक के बीच भी पहुंच गया। और इस 37 मिनट की बातचीत में आपको पता है विधायक ने कितनी दफा थाना अधिकारी संजय गुर्जर को गालियां दी? 103 बार। जाहिर है विधायक और थाना अधिकारी के बीच हुए वार्तालाप को हम आपको सुना भी नहीं सकते, आप खुद समझदार हैं क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफार्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस मामले में विधायक का कहना है कि ऑडियो मॉडिफाई किया हुआ है, मैं तो गालियां देता ही नहीं। अब देखिए, ऑडियो सामने आने के बाद SHO संजय गुर्जर ने गुरुवार को SP प्रीति जैन को एक एप्लीकेशन दी और कहा कि वह विधायक के दबाव में काम नहीं कर सकते, ऐसे में उन्हें लाइन में भेज दिया जाए। इस पर SP ने उन्हें लाइन में भेज दिया। हालांकि लाइन में जाने से पहले SHO ने भैंसरोड़गढ़ थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कहा जा रहा है कि अतिक्रमण के मामले में SHO ने मन माफिक धाराएं जुड़वाने को लेकर विधायक की बात मानने से इनकार कर दिया था। इस ऑडियो में हेमराज और संजय वाधवा केस का भी जिक्र किया हुआ है। इस पर थाना अधिकारी गुर्जर ने कहा कि जब कोई केस बन ही नहीं रहा तो मैं जबरदस्ती कैसे कर सकता हूं। उन्होंने बार बार कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन आपके कहने पर मैं गलत काम नहीं करूंगा। विधायक बिधूड़ी ने संजय गुर्जर को 15 दिन में बर्खास्त करने की धमकी दी और यह भी कहा कि मेरा काम छोड़ने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब पूरे प्रकरण पर बिधूड़ी का कहना है कि ऑडियो एकदम झूठा है, उसको मॉडिफाई किया हुआ है और वह इस तरह से गालियां कभी नहीं देते हैं, यह उन्हें बदनाम करने के लिए वायरल किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ SP प्रीति जैन के मुताबिक उन्होंने ऑडियो पूरा सुना है, लेकिन किसके बारे में बातचीत हो रही है यह पूरी तरह से नहीं पता। रावत भाटा में कोई मामला दर्ज किया गया था जिसकी जांच संजय गुर्जर द्वारा की जा रही थी, फाइल मंगवाई है, उसके बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या है। बखोल SP SHO ने एप्लीकेशन देकर पुलिस लाइन में काम करने की इच्छा जाहिर की थी और इसके बाद उन्हें लाइन में भेजा गया है। तो कहानी यही कि विधायक ने गालियां देने से इनकार कर दिया और थानेदार लाइन भेज दिया गया। लेकिन जो भी हो, इस ऑडियो की चर्चाएं इस वक्त पूरे सूबे में हो रही है और मसला तो आज भाजपा नेताओं ने विधानसभा में भी उठा दिया और सरकार के ऐसे नुमाइंदे पर सवाल भी उठा दिए गए। नमस्कार।